गृह प्रवेश के अगले दिन सब बीमार हो गए थे और काफी ज्यादा थक भी गए थे, तो डिसाइड हुआ कि एक दिन रेस्ट किया जाए और फिर अगले दिन चला जाए इलाहाबाद सामान लेने। और जाते जाते मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, रोने लगा, और सोने की पर नानी भी रोने लगी थी, और सोने की मासी यानी कि मैं भी रोने लगी थी। सोने जब से पैदा हुआ तब से मैं उसके साथ थी, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने सोने को अकेले छोड़ा था। गायब भी हो गया, देखो चोर बैठा हुआ है। सोने बेटा, अपनी इन मासी से बच के रहना, ये कुछ भी कर सकती हैं। जीजू यहाँ पर दीदी को घर छोड़ने के लिए गए थे। नानी पकड़ लिया करो, कभी कभी मिलता है नानी। नानी पैसे लेने से साफ इनकार कर रही थी और मैं नानी को अपना ज्ञान दे रही थी। तो क्या हो गया माँ है, माँ को तो जल्दी लेना चाहिए। देखना रेशित भी मना नहीं करेगी, देखो ऐसे रहा जाता है, अभी देखना। ये देखो नानी ऐसे रहा जाता है, चलो मिठाई खा लो। हम लोगों को भी जो पैसे कोई देता है तो हम लोग तुरंत हाथ बढ़ा रहे थे, बस पैसे देने भर की देरी रहती है, उसके बाद बस फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और बस कुछ ही घंटों में हम लोग कानपुर पहुंच जाते हैं। और नानी के घर पहुंचते ही मुझे क्या मिलते हैं, ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पिल्लू मिलते हैं। और ये पिल्लू देखने के बाद मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था घर के अंदर जाने का, बस लग रहा था बस इनके साथ खेलती रहूं और इन्हें खूब सारा प्यार करूं। मतलब कहीं भी मुझे ऐसे छोटे छोटे पिल्लू या फिर बड़े बड़े डॉगीज दिख जाते हैं तो मेरा मन ना बस इन्हीं के पास लग जाता है, इनको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। फिर हम लोग अंदर गए, नानी ने बहुत ही टेस्टी सी मैगी बनाई और दीदी ने चाय बनाई, बस चाय और मैगी का नाश्ता किया और निकल गए आगे की जर्नी के लिए। और थोड़ी दूर जाके फिर हम लोग रुके और हमने वहां पर छोले समोसे और छोले खस्ते का नाश्ता किया और चाय पी और थोड़े से चिप्स लेकर के हम लोग फिर चल दिया आगे के लिए।
देखो रात हो रही थी और खाने का टाइम भी हो रहा था, तो हम लोग फिर एक देसी ढाबा में रुके और वहाँ पर हम लोगों ने दो थाली ऑर्डर करी और बढ़िया सा खाना खाया। यार जर्नी में दो ही काम करने में तो मज़ा आता है, एक जर्नी में गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है और दूसरा खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, और साथ में 90s के गाने सुनने को मिल जाए तो और मज़ा आ जाता है। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा था, अब पता नहीं कब मिले इतनी लंबी जर्नी करने को। आज की सुबह हम सभी लोगों के लिए प्रयागराज में आखिरी सुबह होने वाली थी। पैकेट्स वाले लोग आ चुके थे घर पर, सारा सामान पैक होने लगा था, ट्रक भी आ चुका था जिस पर सामान लोड होना था। दीदी तुम कहाँ बैठी हुई हो? धीरे धीरे करके सभी सामान पैक हो गया था और बहुत ही कम समय में हुआ था, और सारा सामान नीचे उतरना भी स्टार्ट हो गया था। घर के सभी पंखे भी उतर गए थे। जब घर पर सारा सामान भरा रहता है तो घर एकदम छोटा लगता है, और जब एकदम खाली होने जा रहा था तो एकदम जैसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा घर हो। और ये सभी सामान नीचे पहुंच चुका था। और सारा सामान नीचे आने के बाद लोडिंग स्टार्ट हो गई थी, और ये मेरी सबसे पुरानी वाली धनु है जिस पर पापा मुझे बैठा करके स्कूल की ऑटो तक छोड़ने के लिए ले जाया करते थे। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, केवल चाय और बिस्किट खाया था, तो लेडी गार्ड मेरी अपने घर लेकर के गई थी हम लोगों को खाना खिलवाने के लिए। सारा सामान रख गया था और अब बारी थी इसको बांधने की, और देखते ही देखते पूरा घर खाली हो चुका था। तो ये घर था पूरा हमारा पहला वाला जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा घर मतलब एकदम सन्नाटे में आ गया था। और अब से बस कुछ ही देर में हम लोगों को प्रयागराज को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करना था, तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा सामान पैक हो चुका था। और हम लोगों से मिलने के लिए कुछ लोग आए थे जो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जाते जाते भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज थी तो वो सब पूरी हो रही थी। थैंक यू। ब्लॉग में मत बनाना। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? और ये हमारा मेन रोड था जहाँ पर हम शाम के वक्त में टहलते टहलते आ जाया करते थे, या कुछ भी ज़रूरी सामान लेना होता था तो हम लोग रोड तक आ जाया करते थे। ये रास्ते बहुत याद आने वाले हैं। और ये मेरी लेडी गार्ड ने गिफ्ट दिया है, और ये मेरा मक्खन जहाँ से हम लोग खाना मंगवाते थे और पार्टी वगैरह करते थे। जैसे जैसे रास्ते बढ़ रहे थे वैसे वैसे लग रहा था अब ये रास्ते देखने को कभी नहीं मिलेंगे, और मतलब सब कुछ छूट रहा था ऐसा लग रहा था, तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था इस वक्त पे। और ये मेरा स्कूल था जिसे मैं आखिरी बार देख रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर के हम रुकते हैं विलेज द ढाबा में, जो कि अभी बन रहा था, काफ़ी अच्छा बना था। वहाँ पर हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ पर खटिया भी पड़ी थी तो जिसको लेट करके खाना खाना था वो भी खा सकता था, और ये मंकी ट्यूबलाइट लेकर के लटका हुआ था।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाना भी बहुत ही अच्छा था। खाना खा करके फिर मैंने वहाँ पर वॉकिंग करी। और रात में सफ़र करने पर ऐसे चाय की टपोरी मिल जाती है ना, और साथ में कुल्हड़ वाली चाय, तो आए हाय हाय। और बस फिर हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले थे, और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं। और अगले दिन हमारा सामान भी आ जाता है, और सामान की अनलोडिंग भी हो जाती है। और उसके बाद भाई अभी तक हम लोग बस सामान सेटिंग करने में बिजी हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो और शेयर करो।